महसूस मतलब बहुत अच्छा लगा, ये तो है ही। बेसिकली हम जब काम कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कमल जी के साथ काम करना, उनके बारे में सुना था, उनको देखा तो था, लेकिन जब उनके साथ मतलब काम करना शुरू किया तो द वे ही वॉज़ वर्किंग, मतलब बहुत पैशन है उनमें, जिस तरह से वो काम करते हैं दैट इज़ अमेजिंग। तो जब हम उस रोल पे काम कर रहे थे, अलग अलग गेटअप्स ट्राई कर रहे थे और डायलॉग्स के ऊपर काम हो रहा था, सीन्स के ऊपर काम हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा था। और तब तो अवार्ड के बारे में वगैरह कुछ सोचा ही नहीं था, सवाल ही नहीं उठता, लेकिन बाद में जब डिक्लेयर हुआ अवार्ड तो लगा कि मतलब, क्योंकि अवार्ड वो चीज़ होती है जो जब आप मतलब रिकग्नाइज होते हो, मतलब एक ऑफिशियल रिकग्निशन होता है, तो उस हिसाब से अच्छा लगा। और मैं ओके इन बिटवीन ओके मैं एक प्ले कर रहा था गांधी विरुद्ध गांधी नाम से, हमने वो पहले मराठी में किया, बाद में हिंदी में और गुजराती में किया, तो वहाँ मैं महात्मा गांधी जी का रोल प्ले कर रहा था। तो उस रोल के बारे में कमल जी ने सुना था और हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कुछ लोग कमल जी के साथ काम कर रहे थे और हमारे एक मेकअप मैन जो हेराम में मेकअप कर रहे थे, अनिल पेमगिरीकर, तो वो मेरे साथ अमोल पालेकर जी के फिल्म में भी काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने मेरा नाम रेकमेंड किया कमल जी को और फिर मुझे बुलाया गया मद्रास और मेरी स्क्रीन टेस्ट हुई और बाद में ये रोल मिला। मैं अभी एक तेलुगु सिनेमा कर रहा हूँ जो बिल्कुल कमर्शियल है और ये भी चांदनी बार भी एक अच्छी खासी, मतलब मुझे पता नहीं अब कमर्शियल और आर्ट, मतलब अब तो वो धुंधला सा हो गया है बिल्कुल, उन दोनों का जो अंतर था वो, लेकिन मैंने बिल्कुल ये सोचा नहीं है कि मैं इस तरह की फ़िल्म करूँगा या इस तरह की नहीं करूँगा। मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी फिल्में करूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ फिल्में करूँ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्में करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आर मोहन जी ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और यू रिक्वायर अ करेज टू डू सच अ मूवी, टू प्रोड्यूस सच अ मूवी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छे रोल करूँ, अच्छी फिल्में करूँ अच्छे लोगों के साथ। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मैं इस तरह की फिल्में नहीं करूँगा या इस तरह की फिल्में करूँगा। जी जी इस फिल्म में चांदनी बार में मैं एक जो भाई होते हैं उस एक गुंडे का रोल कर रहा हूँ मैं, और वो गुंडा इस बार में आता रहता है क्योंकि ये गुंडे लोग हमेशा बार के जो मालिक होते हैं उनसे हफ्ता वसूल करते हैं, तो वो इस बार में हमेशा आता रहता है। तो वहाँ उसकी मुलाकात तब्बू जी से हो जाती है, जो कैरेक्टर तब्बू जी कर रही हैं बार वाला का रोल, तो उससे उनसे मुलाकात हो जाती है और बाद में ये स्टोरी आगे बढ़ती है। ये बेसिकली मुझे लगता है कि एक जो फैमिली है और समाज है, फैमिली की आपस में उनकी जो मियाँ बीवी उनके बच्चे उनकी रिलेशनशिप, और हाँ मुख्य तौर पर जो समाज रिएक्ट करता है, जो और ये जो प्रोफेशन है दोनों का, अलग अलग प्रोफेशन है, मियाँ बीवी का, एक बार की गर्ल है और एक अनडबल डॉन है, तो इनके आपस में रिलेशनशिप, इनकी समाज के साथ जो इनके संबंध हैं वो, और इस प्रोफेशन में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ उनके जो संबंध बनते हैं और जो उनकी उनके जीवन में घटता है, इसके ऊपर ये बेसिकली फिल्म है। जी बिल्कुल। मैं बताऊं आपको, ये मैंने मतलब अब मैं करीब 10-15 सालों से थिएटर कर रहा हूं और बम्बई में भी आकर मुझे बहुत साल हो गए,
लेकिन मुझे ये कंपटीशन की फीलिंग दो एक्टर्स में ऐसी नज़र नहीं आती है. और स्पेशली व्हेन यू एक्ट, यू आर देयर टू हेल्प ईच अदर, एंड मतलब एक दूसरे को आपकी मदद करें आप लोग, और आप वो जो कलाकृति जिस पे आप काम कर रहे हैं वो बेहतर से बेहतर बनाएं. ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, जो भी अच्छा और बड़ा और महान कलाकार होता है उसकी, मतलब मैं तब्बू जी की बात कर रहा हूँ. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस तरह का फीलिंग तो बिल्कुल है ही नहीं मन में कि कंपटीशन वगैरह. शायद ये भी हो सकता है, आपको ये महसूस होता है कि जब जब एक ऑडियंस एक फिल्म देखने आती है, तो तब्बू जो एक नाम है जो ज़्यादा एसोसिएट किया गया है, नहीं. अब मैंने हैराम की थी, कमल जी थे साथ में, कमल जी डायरेक्टर थे खुद, उन्होंने फिल्म खुद लिखी थी, और जिस तरह से किरदार वो निकल के आया है वो, मतलब अगर वो हैराम में नहीं हुआ तो वो क्यों होगा किसी और. मतलब मैंने जब किसी प्ले में नहीं हुआ, मैं अभी रीमा जी के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने सीमा जी के साथ, सीमा विश्वास जी के साथ काम किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा. और ऑडियंस भी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हैराम का जो रोल था मेरा, उसमें जिस तरह से ऑडियंस ने रिएक्ट किया है उस रोल से, जिन्होंने भी देखा है, तो उससे मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से ऑडियंस भी सोचती है. ये हम लोग शायद सोचते हैं थोड़े सा इस ऐसा. जहाँ तक आपकी तैयारी का सवाल है, जहाँ तक आप रोल मतलब तैयार कर रहे होते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है दोनों चीज़ों में, जिस तरह से आप सोचते हैं रोल के बारे में. फ़र्क वहाँ आ जाता है जब टेक्निक की बात होती है ना, कि जब आप थिएटर पे काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, तो अलग तरह का टेक्निक आपको अवगत होना चाहिए, और जब आप फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो अलग किस्म का टेक्निक आपको उसके ऊपर प्रोफेशनल करना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंस वहाँ होना शुरू हो जाता है. जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, वो मतलब वो यूनिट के ऊपर है, वो चाहे वो थिएटर हो या फिल्म हो, वो तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी जो को एक्टर्स हैं उनके ऊपर है, मतलब किस तरह की डिसिप्लिन उसमें हो. तो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब कहते हैं उसको ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है. नहीं, मैं एक बात बताता हूँ आपको, कि होता यूँ है ना कि आफ्टर अ सर्टन लिमिट थिएटर और सिनेमा दो मेरे ख्याल से अलग अलग प्रोफेशन हो जाते हैं. वो इस हिसाब से कि उनके वो जो मांगते हैं आपसे वो बहुत अलग अलग किस्म का किस्म की चीज़ें होती हैं. अगर वक्त हो तो जो थिएटर आपसे वक्त मांगता है वो अलग किस्म का वक्त है, मतलब ज़्यादा या कम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अलग किस्म का वक्त है, अलग किस्म की डिमांड है उसकी, तो वो अलग अलग प्रोफेशन हो जाते हैं. और अगर थोड़ा सा इसको मतलब अलग भाषा में बताया जाए, तो एक औरत होती है जिसको बाहर भी काम करना पड़ता है और घर में भी काम करना पड़ता है, उसका जो हो जाता है, उसके साथ जो हो जाता है, उस तरह की चीज़ है. तो हर कोई चाहता है कि मतलब जो थिएटर कर रहा हो वो चाहता है कि वो थिएटर करें, क्योंकि इट्स अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं थिएटर करता रहूँ. अब कैसे वो बैलेंस हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने ये दोनों चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं. इसके लिए थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी मैंने आपसे कहा कि मैं एक प्ले कर रहा था गांधी विरुद्ध गांधी, तो उस प्ले के लिए मैं गांधी जी की पूरी मतलब बायोग्राफी और मतलब गांधी जी का रोल कर रहा था, इसलिए वो मुझे उनकी फिलॉसफी का अभ्यास करना पड़ा था. और हेरा में मैं जो कैरेक्टर कर रहा था वो बिल्कुल अलग, मतलब trying to kill Gandhi, I mean he provokes the protagonist to kill Gandhi. तो मुझे लगता है कि मुझे हेल्प हुई, क्योंकि ये आदमी क्यों गांधी जी के अगेंस्ट है ये मुझे जानने में आसानी हुई, क्योंकि मैं खुद गांधी जी का रोल कर रहा था.
तो बाकी मैं मतलब मुझे किताबें पढ़नी पढ़ी मैंने फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताबें, या फिर मराठी में जो किताब गोपाल गोडसे ने लिखी है गांधी हत्याणी मी, वो मैंने पढ़ी, और इस तरह से काफ़ी मटेरियल और बहुत सारी बातचीत कमल जी से हुई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी और जिस तरह से वो आपको बताते हैं, बहुत बहुत बताते हैं कैरेक्टर के बारे में, फिल्म के बारे में। मैंने सिर्फ मतलब जब मेरा शूटिंग चल रहा था तो मुझे पूरी फ्रेम बाय फ्रेम फिल्म पता चल चुकी थी, जब तक मेरा शूटिंग ख़त्म हुआ इतनी वो फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। जब मैंने पूरी फिल्म देखी तो मुझे पूरा पता था कि इसके बाद क्या होने, उन्होंने मुझे कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो ये थे वो भी बताए थे कि इस तरह से वो होगा। तो मुझे लगता है उसकी बहुत मदद मुझे मिली जिस तरह से कमल जी ने मुझे ये सब बातें बताई। और बाकी यूनिट में भी बहुत कॉस्ट्यूम्स हो या सेट्स हो, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं ऐसी फिल्म में, हेराम जैसी फिल्म में, तो सब चीज़ों की मदद मिली मुझे। मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ डी रामा नायडू जी के साथ, वो प्रोड्यूसर हैं। एक मराठी फिल्म मैंने अभी मतलब ख़त्म की है, दहावी फ नाम है उसका, सुमित्रा भावे सुनील सुक्तन कर उसमें वो उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं एक प्ले कर रहा हूँ झाले मोकड़े आभाड़ नाम का। बाकी एक दो तीन प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, लेकिन देखते हैं उसके साथ क्या होता है। थैंक यू।